बिहार में पंचायती चुनावी दौर में हम लोग बढ़ते बढ़ते यहाँ आ चुके हैं जैतपुर पंचायत के नगौली गांव में, और देखते हैं लोगों का मिजाज क्या है, कैसा प्रत्याशी चाहते हैं, क्या क्या यहाँ पे चल रहा है, लोगों के विचार से कैसे मुखिया होने चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मैं हूँ पिंकी और आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। आइए जानते हैं लोगों का मिजाज। देख, आपका नाम क्या है सर? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र सर, आप इसी गांव के निवासी हैं? जी सर। क्या विकास चाहते हैं अपने गांव के लिए? विकास यही चाहते हैं कि रोड, खड़ंजार, नली गली सब बनना चाहिए, और क्या विकास होना। तो मन में कुछ ऐसा विचार आया है कि ऐसा कौन पूरे कर सकते हैं, इस जैसे नली आपके गांव में, रोड आपके गांव में कौन बनवा सकते हैं, किन्हें आप मुखिया चुनेंगे तो ये पॉसिबल हो सकता है? पहले तो कौन मुखिया यहाँ है? सतेंद्र मुखिया का काम किए हैं, काम किए हैं तो क्या इस बार मतलब फिर तो उनको मिलेगा सीट? मिलेगा मैंने सत्य पुराने के मुखिया के रखिएगा, बदलना नहीं है, यही ना बात है। पिंकी जी देखिए, मतदाता बहुत होशियार हैं। देखिए बाबा, हाँ राज नहीं बोल सकते हैं। हाँ प्रणाम बाबा, का है गांव के माहौल कैसे चले थे? जैसे निभत ऐसे ही निभित है सिर्फ, लेकिन गांव में तो कुछ होती है बड़ी वोट भाट के, का ही माहौल चले? कुछ हो ना, वोट उठे जब हो कि ना जब हो। वृद्धा पेंशन मिलता है? ना, पेंशन नहीं मिलता। तो वोट दे जब हो कि ना बड़े जाल हमने के घर है कि वोट दे रखे देहरा बलहा जा रहा जयपुर। तो वोट दिए तो ही, हाँ तो कई का सोच के वोट दिए अब रे का होते तो आधे से कह दो ना, सोच के का देवे लाई हमरा ही ना बताइए कि कुछ सोचे ला कुछ है, कुछ ना सोचे ला कुछ बदल देवे ला है कि ओकरे रखे ला है। और चाहे तो उनके बाकी अब देखो भाव चाहे उनका रे ऐसी ना उनके मतलब जिहाती सीन के आओ का। अच्छा अच्छा, देखिए पिंकी जो अभी शायद हाँ, मुखिया हैं उन्हीं को ये उन्हीं की बात हो। देखिए आप महिला से आप बढ़िया से पूछ लीजिएगा। बताइए, मैं पूछती हूँ क्या ये लोगों का विचार क्या है। हाँ सुनिएगा, भागी जा रही है, देख रहे हैं आप ये अपने विचार रखने के पहले ही भागी जा रही है, देख रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं गांव के दूसरे छोर की तरफ, जहाँ से लोगों का मिजाज जानेंगे कि वो अपना मुखिया किस तरह का चाहते हैं। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं। जी जी, आपका नाम? प्रतिनिधि हैं हम, तो नहीं बता सकते हैं मुखिया जी के बारे में ना। अच्छा, ये प्रतिनिधि है, हम नहीं बता सकते अभी वर्तमान ऐसे उप मुखिया से हैं। विकास तो यहाँ पर हुआ है। तो मैं अभी वर्तमान प्रतिनिधि के रूप में तो हूँ। गांव में गांव के राजनीति बड़ी खराब होता है, कोई प्रत्याशी है तो वो कैसे किसी को बोलेगा, वोट तो सबसे ले जाना है। हाँ, एक वार्ड में तो हो सकता है कोई मुखिया के दूसरा के समर्थन कर रहा है, कोई दूसरा के समर्थन कर रहा है, तो वो बोला नाराज हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या नाम बताए थे आप अपना? अच्छा अच्छा अच्छा, उप मुखिया जी हैं जी। सर, आप जैसा कि हम लोग आपके गांव में आए हैं, घूम रहे हैं, देख रहे हैं और जानना चाहते हैं आपका विचार कि आपके भावी मुखिया कौन होने वाले हैं, आप किन्हें वोट कर रहे हैं? हम लोग तो मुखिया सत्येंद्र जी को कर रहे हैं। सत्येंद्र जी को मुखिया बनाना चाहते हैं, क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि वो काम किए हुए हैं 5 बरस रह के, उन्होंने पहले से काम किया हुआ है। और क्या आप चाहते हैं कि आपके गांव में किस तरह की सुविधा होनी चाहिए? नली गली का सुविधा होना चाहिए, रोड का होना चाहिए, यही सब का, और क्या। जैसा होता है पिंकी की लोग खुल के कुछ बोलना नहीं चाहते, पत्ते नहीं खोलना चाहते हैं, लेकिन अब समय नहीं रहा कि मतलब अब कुछ सोच, नज़दीक आ रहा है। ऐसे परिस्थिति में गांव वालों से हम लोग तो बात करेंगे कुछ, तो इशारे में भी लोग बतिया देते हैं। इनसे इतना में देखिए भाग रहे हैं आप, कहे लगे तो ऑफिस से हम बतियाना चाह रहे हैं। अब पटना से वो आई है आपसे बात करने, आए हम लोग बात करने आए हैं ना कि चुनाव के संबंध में बात करने आए हैं। तो अभी तो मेन रहता है कि चुनाव तो बड़ी बड़ी 6 पद के हो रहा है, लेकिन मुखिया का कहा जाता है कि गांव का सरकार होता है, तो इसका क्या माहौल है अभी गांव में? चुनाव की तैयारी है बढ़िया से चल रहा है? हाँ, चल रहा है, चल रहा है ना। हाँ। तो क्या है, कौन केकरा निकले का चांस है? चांस देखिए सत्येंद्र जी के, पुराना तो पहले से वो मुखिया था, पीछे पीछे गिंदली में चल जाइएगा थोड़ा सा, तो पुराना वाला था, पुराना वाले 5 साल में कैसा काम किए, ठीक ठाक काम किए हैं? हाँ ठीक
ठीक काम किए हैं तभी ना जनता चाह रहा है, बात आप सही कह रहे हैं। तो हम सीधे युवा से बात करते हैं, कहा बाबू वोट करते हैं? आपका उम्र हो गया है वोट देवे लायक? फोटो का नाम है? हाँ हो गया है। हो गया है? हाँ। क्या नाम है? गौतम कुमार। गौतम जी, देखिए अब तो ये सब पुराने लोग हैं, युवा लोग के माथे एकदम जिम्मेवारी बढ़िया है एकदम। का सोच समझ के वोट देवल जाएगा? अबरी का होगा दिल जाएगा आपका? पुराने के है कि नया दूसरा बदलेला है? नहीं पुराने के। पुराने के मतलब पुरानका कौन है? सत्येंद्र जी। सत्येंद्र जी के पूरा गाँव में वही का है सर जी, या एने उन्हें जाये थे ना? अब तो पता नहीं उतना है। हाँ लेकिन इधर मैंने माहौल है कि सत्येंद्र के जिताना है ना। हाँ चलिए, जैसे देखिए जैतपुर पंचायत में पुराने चेहरे पर ही भरोसा कर रहे हैं लोग, तो हम देखते हैं गली में और जाते हैं। देखिए और युवा है, क्या उम्र हो गया है वोट देवे के? नहीं उम्र नहीं, ना वोट न देने की क्या हल्ला, उम्र नहीं हुआ है लेकिन हल्ला फल्ला तो बताए ना क्या हल्ला है? हल्ला सत्येंद्र मुखिया को जिताना है। सत्येंद्र मुखिया जिताना है मैंने हल्ला है मैं तय है। हाँ तय है। अच्छा तो जीतेंगे तो अपन भाग से जीतेंगे अगर जीतना होगा तो। लेकिन सब मैंने सत्येंद्र के यहाँ मैंने अथी है। हाँ है ये जैतपुर पंचायत में ना? यस सर। अच्छा ये गांव नगौली में? हाँ नगौली में। आओ इन्हें उन्हें आओ उन्हें से क्या रिपोर्ट है? अब तो हम उतना नहीं जान सकते हैं लेकिन नगौली में सत्येंद्र के है वोट। देखिए नवम्बर का महीना है, धान के खेत जब कट जाता है, कटनी का समय है और फसल लोगों का तैयार है और गांव में जो है मवेशी को लेकर देखिए सब आते हैं। का हाल चाल है? ठीक है। ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है। का है चुनाव उनाव के काज बती है? का मती है? हाँ जन समर्थन सारे गांव है तने करने ही समर्थन सारे गांव के पहले ही कहने कह दे कुछ बताइए ना इशारा में। अच्छा एक बात बताइए, पुराने के रखे ला है कि नया चुने ला है? पुराना का। पुराना का? पुराना का मने आप देखो पुरान का मने एकरा आगे के हलथिन? कौन हथिन एकरा आगे पहले के हलथिन? पहले के हलथिन? के हलथिन हमरा का पता है, हम तो दूसरा जगह से आए हैं। सत्येंद्र पासवान। सत्येंद्र पर कौन छाप? चुनाव चिन्ह याद है? नौ सब याद नहीं है। आए चुनाव चिन्ह बता दीजिए। अच्छा उनका से हम बात कर लेते हैं, क्या बाल चाल है? सब भैंस लेके अभी आ गए हैं, चुनाव है, चुनाव चलित है गाँव में, तो इस बार गांव के मिजाज कोची है, मुखिया केकरा चुने ला है? पुरान के कि बदल देवे ला है? हम ना बुझाए हमरा भैया वोट देवे जा हूं कि ना? हां हम वोटो न देवे जा हमरा बुझावे ना करे, लेकिन वोट देना बहुत जरूरी है, फिर दिक्कत ना है? देवा ही देते हैं ना वोट तो कोची देख के देते हैं, कैसन मुखिया चाहिए? कैसन मुखिया हमरे बनावे लगी है कि सब बनाती सही बनता? हम एक वोट में बड़ी ताकत होता है, जी सकता है तबरी मतलब क्या है किसको मैंने गांव में केकरा कही थी सब? अब हम ही जाने थी केकरा कहता थी, अब सब देती ताने देवे हम करने सब दे थी, अब हम सारी गांव के ही पता लगा भाई। अच्छा पुरनका मुखिया ठीक काम कर लेती है? करे ना थी तब उनका रखल जाते कि हटा देवल जाते? हटावल कहल जाते? रखल जाते। बड़ा घुमा फिरा के बात करते हैं सब। चलिए जानते हैं इनसे। जी आपका नाम? कृष्णा कुमार जी। कृष्णा जी आप किन्हें वोट कर रहे हैं, आपके गांव से क्या है, कौन जीत रहे हैं मुखिया प्रत्याशी के रूप में? सत्येंद्र जी आए हैं, इनका भी बहुमत ठीक है। सत्येंद्र जी का बहुमत, आप क्या चाहते हैं कि जो गांव के आपके मुखिया हो आपके लिए क्या कार्य करें? अच्छा काम किए हैं करेंगे भी। अच्छा काम किए हैं, चलिए और किन्हीं से जानते हैं, चलिए इनसे पूछ, ये युवा पीढ़ी के हैं इनसे जानते हैं। उनके से बात करने से कतरा रहे हैं, देखिए इनसे पूछते हैं। जी आपका नाम? रंजीत कुमार। रंजीत सर आप किन्हें वोट करना चाहते हैं, किस तरह का मुखिया चाहते हैं अपने लिए? हम जो स्वभाव से मृदुभाषी हो, सबसे मिलते हो, सबको कदर करते हो, उनको वोट करना चाहते हैं। कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपके इस फ्रेम में फिट हो सके? हमारे नज़र से तो 11 प्रत्याशी हमारे पंचायत जैतपुर से खड़ा है जी, उनमें सत्येंद्र पासवान जी का व्यवहार सबसे लोकप्रिय है, मिलनसार हैं। उनका चुनाव चिन्ह क्या है? उनका चुनाव चिन्ह काठ गाड़ी है, 11 नंबर पर है, सबसे अंतिम में। चलिए और लोगों से जानते हैं कि उनका क्या विचार है। हाँ सर आप? हम यहाँ के जनता नहीं है। अच्छा ये यहाँ के जनता नहीं है, नेक्स्ट पर्सन से जानते हैं। जी सर अपना नाम बता दीजिए। श्री रामबली यादव जी। जी आप मुखिया के रूप में आपके गांव का क्या है माहौल, कौन से निकल रहे हैं मुखिया आगे? हमारा गांव का माहौल तो बहुत अच्छा है, और सत्येंद्र पासवान जी मुखिया में रहे हैं 5 साल, और अब रहेंगे, अब बहुत सुंदर काम करते हैं, गरीब के लिए बहुत मसीहा हैं।
जी गांव में चर्चा है, एक ही व्यक्ति का है पूरा, तो क्यों उस व्यक्ति मसूब आप पहचान नहीं पा रहे हैं, लेकिन गांव वालों ने बताया कि वो यही सत्येंद्र पासवान जी भी यही हैं। तो हम इन्हीं से जान लेते हैं कि भाई क्या है बात, तो यह का पैसा वैसा बांटे हैं का? पैसा पर वोट मिलता का है का? ना पैसा पर नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। अच्छा क्या बात है कि इस गांव में हम आए, तो जहां भी गए और दो तीन गांव में घूमे, तो 5 साल से करीब करीब पुराने मुखिया सब हार रहे हैं, पूरे बिहार में यही ट्रेंड चल रहा है, यही ट्रेंड चल रहा है, अब नया लोग मुखिया बदलना चाहते हैं, नया मुखिया सब बदलना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा पलटा समझ में आया कि आप ही का लोग नाम ले रहे हैं। आखिर कौन सा आप काम कर दिए हैं, विकास कार्य में कौन कौन सा कार्य किए हैं? विकास काम यहाँ का जितना भी गली नली जो था करीब करीब पूरा हो चुका है। और यहाँ के लोगों को जो लाभ व्यक्तिगत मिलना चाहिए, जैसे में इंदिरा आवास, राशन कार्ड, पारिवारिक लाभ, कबीर अंत्योष्टि, जो भी गरीब गुरबा को लाभ मिलना चाहिए, वो सारे चीज़ों में भागदारी निभाए हैं और लोग पीड़ता रखे हैं, इसलिए हमारे गार्जियन लोग या नौजवान साथी लोग ने हमको चाहत बनाए हुए हैं कि फिर से दोबारा ये नल जल योजना का क्या हालचाल है? नल जल योजना का तो करीब करीब ठीक है, उधर टंकी लगा हुआ है, पानी देता है वो? पानी देता है, पानी चलता है, पानी तो हम आपसे नहीं पूछेंगे। देखिए आप पिंकी जय पूछिए तो भाग गई, महिला से पूछिए कि यहाँ के लोग चालू करके देख लीजिए। अच्छा पिंकी जी चालू करके देख लीजिए तो आपके है कि नहीं। मुखिया जी की जो प्रत्याशी हैं उन्होंने कहा है कि नल जल योजना की अच्छी व्यवस्था है, तो यहाँ हम देखने जा रहे हैं कि क्या इन्होंने जो बताया है वो सही है या नहीं है। गाँव का माहौल कौन से आपका सर, आप इसी गाँव के निवासी है? नहीं, हम तो महुआ के निवासी है, महुआड़ के निवासी, इसी पंचायत से हैं जी। तो सर क्या है माहौल आपके पंचायत का? हमारे पंचायत का माहौल तो अच्छा ही है, जो पुराना मुखिया जी हैं वो विकास किए हैं सभी को, गांव होवे या जनरल होवे, उसका ये इनका भूमिका बहुत अच्छा सराहनीय रहा है। नली भी गली भी जो हो या वृद्धा पेंशन हो वो सब ये दिए हैं, इसीलिए जनता अभी भी इच्छुक है कि इन्हीं का दोबारा मत करके। किनका इनका नाम क्या है उनका? सत्येंद्र पासवान को, सत्येंद्र पासवान जी को वोट कर रहे हैं। चलिए उम्मीद करते हैं आपके अनुसार वो आपके विचारों में खड़े उतरे। चलिए एक बाबा बैठे हुए हैं, पुराना मत भी लेना बहुत जरूरी है होता है, दीजिएगा। हमारा तो संदेह आपका, चलिए बाबा खुल के नहीं बताना चाहते हैं कि किन्हें वोट करेंगे, कोई बात नहीं जानते हैं हम आगे। जैसा कि हम लोगों ने गांव-गांव घूमकर ये पता कर लिया और जान लिया लोगों का मिजाज, अब जानेंगे नेक्स्ट गांव की ओर कि उनका क्या मिजाज है, वो किस तरह का मुखिया चाहते हैं अपने लिए, और जानते हैं उनका मिजाज अगले गांव में, इसी पंचायत के अगले गांव में हम लोग जानेंगे। मैं हूँ पिंकी, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र, हमारे साथ कैमरे के पीछे हैं सुनील बाबू जी, धन्यवाद।